हेलो, आज हम काला जामुन बनाए हैं। तो देखिए कैसे बनाए हैं। तो हम ब्रेड लिए हैं, तो ब्रेड के हम चारों ओर नहीं काटेंगे। सब काटते हैं लेकिन हम नहीं काटेंगे, तो हम छोटा छोटा इसको टुकड़ा कर रहे हैं। तो इसी तरह हम पूरा टुकड़ा करेंगे। तो देखिए पूरा कर लिया, और फिर इसमें हम मिल्क पाउडर मिला रहे हैं, और एक कप हम दूध लिए हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हम मिला रहे हैं। तो पूरा एक कप दूध इसमें हम मिलाए दे रहे हैं, फिर इसको हाथों से बढ़िया से मिला रहे हैं। तो देखिए हम इसको मिला लिए हैं बढ़िया से। इसी तरह मिलाना है, तो हम इसको थोड़ा सा ढक के रख दे रहे हैं 10 मिनट के लिए। तो फिर इस पर हम सिरा बना रहे हैं। तो एक कप हम चीनी ले लिए हैं और 1 गिलास पानी ले लिए हैं। तो इसको हम गर्म करने के लिए दे दिए हैं। तो हमको सीरा ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, तो इसमें फिर हम यहाँ पर देखिए उठाई दिए 10 मिनट के बाद। फिर हाथों से थोड़ा सा गोद ले रहे हैं, तो इसमें बढ़िया से गोद लिए हैं, और हाथ में थोड़ा सा घी लगा दिए हैं, और इसमें थोड़ा छोटा छोटा करके हम लोहिया ले रहे हैं इनमें से। तो देखिए हाथ के सहारा से हम बना रहे हैं। तो हमको इसी तरह से बनाना है। हाँ, ध्यान इतना रखना है जो फाटा ना रहे। तो इसी तरह से हम पूरा बनाए लेंगे। देखिए हम बनाए भी ले लिए हैं। तो यहाँ पर हम कढ़ाई दे दी है, कढ़ाई में तेल दे दी है गरम करने के लिए। तो गरम हो चुका है, तो हम एक ठू पहले दे के देख रहे हैं जे कहूँ हमारा तेल खराब ना हो जाए। तो हम एक ठू दे दिए हैं हमें, तो देख रहे नहीं ये तो बढ़िया हो रहा है। तो फिर दोबारा से हम धीरे धीरे इसमें एक एक करके छोड़ दे रहे हैं। तो इसी तरह से हम छोड़े हैं पूरा, और इसको धीरे धीरे से हम चलाए दे रहे हैं। तो धीमी आंच करके इसको पकाना है, कहूँ आंच तेज नहीं करना है। तो इसी तरह से आप घर पे ट्राई कीजिए और देखिए बनेगा बढ़िया। और यहाँ पर सिरा में हम 2 इलायची दे दिए हैं, और ये है केसर दे दिए हैं इसमें। तो देखिए हमारा सिरा पक गया है बढ़िया से, और यहाँ पर ये भी देखिए कलर बढ़िया कलर हो रहा है। तो धीमी आंच करके पकाना है। तो ये हमारा पक चुका है, और देखिए कलर कितना बढ़िया हुआ है। तो हम इसको उठाए ले रहे हैं। तो उठाए के हम एक बर्तन में हम रख देंगे। तो इसी तरह से हम पूरा पकाएंगे। और यहाँ पर सीरा देखिए हम उतार लिए हैं, और बड़ा हमें कोई सीरा में इतना लहसुन आई चाहिए, तो इसी तरह हमको सीरा बनाना है। तो हम बर्तन में से फिर इसमें हम दे दिए हैं, तो फिर इसमें हम सीरा दे दिए हैं, छोड़ दिए हैं। तो देखिए इसी तरह से फिर धीरे धीरे हम छोड़ देंगे इस पर। तो इसी तरह से आप बनाइए काला जामुन, और फिर हम 10 मिनट के लिए ढक के रख दे रहे हैं। तो घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए बन गया है हमारा काला जामुन। तो इसमें थोड़ा सा बादाम हम क्रश करके दे दिए हैं, तो आप किसी भी चीज़ दे के सजावट कर सकते हैं। तो घर पे ज़रूर बनाइए, बना के ट्राई कीजिए, खा के देखिए एकदम बिल्कुल बाजार जैसे हैं। तो बाजार से आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, घर में ही बना के आप ट्राई कीजिए। और एक दाई अगर बनाइएगा तो आप ही बोलेगा जो सप्ताह में 2-3 दाई हम बनाए, तो आपके दिखाई दे रहा है काट के, और इतना नरम हो चुका है ये, मुंह में देने के साथ ही गल जाएगा, खाने में बहुत टेस्ट है। तो आप लोग घर पे ज़रूर बनाइए, बना के देखिए कितना मतलब बढ़िया लगता है। तो थैंक यू।